दुबई मिडल ईस्ट का फाइनेंशियल सेंटर, जहां कहते हैं कि हर दूसरा चेहरा हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी है। इन्हीं लोगों ने मिलकर इस सहरा को गुलजार बनाया है और इन्हीं लोगों में से चार ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये चैलेंज लिया है कि बिजनेस के अलावा वो किचन के भी बॉस बन सकते हैं। अपनी मेहनत से बन गए हैं अपने क्षेत्र के किंग और अपने पकवान के हुनर से बनना चाहते हैं कन्नौर किचन किंग। हमारे पास है चार बॉसेस, अपने अपने फील्ड में माहिर, जिनकी कंपनियां रोज लाखों करोड़ों की डील्स करती हैं। लेकिन जहां तक खाना पकाने का सवाल आता है तो इनकी गिनती ना तीन में होती है ना तीरों में। अब हमने इन बॉसेस को चुन लिया है ये चुनौती स्वीकार करने के लिए कि ना तो सिर्फ वो अपनी कंपनी संभाल सकते हैं बल्कि उसके साथ ही साथ किचन भी संभाल सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, इन बॉसेस को अच्छी तरह से पता है कि इस शो में उन्हें मिलेंगे कुछ खट्टे मीठे पल, हारने का डर और कुछ गलतियां। एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत सारी गलतियां, लेकिन हर गलती के साथ गलती से कुछ सीखने का जज्बा और जीतने का जोश भी। तो ऐसे तैयार हुए हमारे चार बॉसेस जो आज यहाँ मुकाबला करेंगे, लेकिन सिर्फ एक, कोई एक ही बन सकता है कन्नौर्स किचन के। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे बॉसेस का सफर, यानी वो बॉसेस जिनने ये चैलेंज लिया है कि वो कन्नौर किचन किंग बन के दिखाएंगे। इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सबसे पहले बॉस को, मिस्टर अवतार सिंह जी। कुछ टेंशन या परेशानी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये दुबई हमारा है, हम दुबई के हैं। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। ये है हमारे पहले कंटेस्टेंट मिस्टर अवतार सिंह, और सिंह इज किंग जैसे वो खुद कह रहे हैं। देखते हैं कि इनका सफर कैसा रहता है। यहाँ से हम इनका सफर शुरू करेंगे स्टूडियो तक, और स्टूडियो से फिर जाएंगे ये पहले पड़ाव से लेकर आखिरी पड़ाव तक, और देखते हैं कि ये सफर कैसा रहेगा। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है मिस्टर रावत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सफर में। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ से हम आपका सफर शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद आएगा पहला पड़ाव जहाँ पे आप पहली बार किचन में स्टेप इन करेंगे और कुकिंग करेंगे। तो कैसा लग रहा है दुबई की इस एनवायरनमेंट से ये सफर शुरू करना? It's really very nice. I'm enjoying it. I hope sir कि you enjoy the journey. Let's hope so. हमारे थर्ड कंटेस्टेंट है मिस्टर टोनी। What's going on? Are you ready for this? Welcome Mr. Tony. So how are you feeling sir? You're starting your journey here. You're gonna step into the kitchen for the first time. I haven't cooked much, but देखते हैं क्या होता है। That's the spirit. I hope कि इस journey को आप enjoy करें। Sure, I will enjoy. This is Karamali. हमारे चौथे और आखिरी contestant हैं Mr. Farhan Vasti. कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार आज किचन में कदम रखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। I'll try my best and I'll definitely going to cook something very, very good. वैसे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं एक अकेली अबला नारी इस मंच पर चार चार बॉसेस के बीच शो को कैसे संभाल पाऊंगी? तो क्यों ना मैं एक साथी को बुलाऊं जो पूरे सफर में मेरा साथ दे। जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मॉडल एंड टेलीविजन एक्टर मुस्तफा काजमी, माय को होस्ट ऑन कन्नौर्स किचन किंग। Bon appetit, noshejan to the world. These bosses can cook anything on Kannauz Kitchen King. मैं हूँ मुस्तफा काजमी और मेरे साथ है मोना वासी, और हम दोनों की ये जबरदस्त जोड़ी लेकर आने वाली है आपके सामने कुछ जबरदस्त बॉसेस को, जो लाएंगे आपके सामने दुनिया भर के मजेदार खाने, लेकिन अपने अंदाज में, जिन्हें खाने के बाद नहीं बल्कि स्क्रीन पे देखने के बाद आप लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो शो शुरू करने के पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को कॉन्टेस्ट के रूल समझा दूं।
हमारे हर एपिसोड में हमारे चार बॉसेस एक दूसरे से कम्पीट करेंगे ओवर 5 कोर्सेज ऑफ मील्स, यानी कि 5 तरह की खुराक बनाई जाएगी, विच इज सूप, सैलेड, एपेटाइजर, मेन कोर्स एंड डिजर्ट। और इस किचन के बॉसेस यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं ये तो हमेशा फैसला करते हैं यहाँ बैठे हमारे महारथी, और वही उनको रेसिपी देंगे और बताएंगे कि उनको आज यहाँ पे क्या बनाना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चैलेंज का भी काम करना होगा। एक नहीं, तीन तीन चैलेंजेस। यस, और पहला चैलेंज ये है कि जजेस जो बॉसेस को रेसिपी देंगे उस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की शॉपिंग हमारे बॉसेस को कनॉर्स किचन किंग सुपरमार्केट से करनी होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें मिलेंगे सिर्फ 5 मिनट। और अगर कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है, छूट जाता है, रह जाता है, तो उसके पॉइंट्स भी कटेंगे। उसके बाद आपको करनी होगी कुकिंग, और उसके पास आपके लिए सिर्फ है 15 मिनट। 15 मिनट में आपको सूप भी तैयार करना होगा और सूप को पेश करना होगा आपके जजेस के सामने, जिस पर वो आपको देंगे पॉइंट्स। अब किसकी किस्मत कितनी रंग लाएगी इसका फैसला तो हमारे तीन महारथी जजेस ही कर सकते हैं, आवर सेंसेशनल पैनल ऑफ जजेस जो अपने आप में बेमिसाल हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी पहली जज हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने जलवों और अदाओं से डिस्को क्वीन का खिताब हासिल किया। जी हाँ, हरि ओम हरि, रंबा हो रंबा से लेके राजा हिंदुस्तानी के परदेसी परदेसी तक, अमजद खान से लेके आमिर खान तक, इन्होंने हर दौर के एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर की है। वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल एक्टर, डांसर एंड रेस्टोरेंटर कल्पना अय्यर जी। मोर देन एनीथिंग एल्स, बहुत से रियलिटी शोज मैंने भी देखे हैं जिंदगी में, देयर इज समथिंग रियली रियल अबाउट दिस। हमारे अगले जज एक ऐसे शेफ हैं जिन्हें दुबई से लेकर रासेल खैमा तक कल्नरी वर्ल्ड में अपना एक अहम मकाम बनाया है। उनको 13 साल से भी ज्यादा अनुभव है होटल इंडस्ट्री का। फेडरल फूड्स में ऐसा शेफ कंसल्टेंट काम करते हैं, और फेडरल फूड्स वो कंपनी है जो 90% होटल्स और रेस्टोरेंट्स को फूड प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। स्वाद और मसालों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले, वन ऑफ द माइंड्स बिहाइंड बिगेस्ट बिरयानी बोल इन यूएई, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ जीजी मैथ्यू। ये प्रोग्राम जब कॉन्सेप्ट स्टेज पे था, स्टार क्रिएशन ZTV ने काफी रिसर्च किया इसके पीछे, मतलब इस टाइप का प्रोग्राम लेके आने में टेक्स लाइक मंथ्स टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड कम अप विद यू नो द टोटल कॉन्सेप्ट। और हमारे तीसरे जज हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के जाने माने बॉसेस को ट्रेन किया है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के सीनियर मैनेजमेंट डेलीगेट्स को ब्रांड वैल्यू से लेके टीम बिल्डिंग तक, सेल्स स्किल से लेके लीडरशिप तक का अहम पार्ट पढ़ाया है। दुनिया की कई सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में ये एक जाना माना नाम है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द एक्सपर्ट ऑफ द बॉसेस, ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स, मिस्टर उज़ैर हसन। अच्छा रहा, आई थिंक एवरीवन शुड गिव दिस एन अपॉर्चुनिटी, जरूर देखें, मेरा ख्याल है पसंद आएगा सबको काफी।